अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज के लिए मेरे पास जो मौजू है वो डेफिनेटली मैंने तकरीबन 1.5 वीक इन चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, और उसके बाद फिर मैं अपनी एक एनालिटिकल अप्रोच आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में पबजी बैन हो गया है जनाब, पाकिस्तान के खेलने वाले जो पबजी के प्लेयर्स हैं वो जनाब अब ना खेलें क्योंकि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गया। बहुत से लोगों के बहुत सारे व्यूज आए कि जनाब पबजी क्यों बैन हो गया, ये सही हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आइए मैं आपको इस बात के हवाले से कुछ एक डिफरेंट अप्रोच देता हूं। देखो, पाकिस्तान में पबजी का बैन होना प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में पबजी जिस बेसिस पे बैन करने की कोशिश की गई या किया गया वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, मगर पबजी के बैन करने से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम मजीद बढ़ सकता है, ये खतरनाक बात है। यानी वो प्रॉब्लम मजीद जो है वो इनफैक्ट स्प्रेड अप कर सकता है। रीजन ये था कि जनाब पाकिस्तान में जो है वो पबजी की वजह से जो है वो सुसाइड रेट बढ़ा है, नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, खुदकुशी करें, ये रीजन डेफिनेटली उसके अंदर रखा गया। मगर क्या मुझे इस आप लोग समझाइए, क्या पाकिस्तान में खुदकुशी इससे पहले कभी नहीं हुई? ये कोई नायाब काम था? ये कोई अनोखा काम था? क्या पाकिस्तान में खुदकुशी भूख की बुनियाद पे, अफलास की बुनियाद पे, ना बदसलूकी की बुनियाद पे, क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर यार डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर सुसाइड रेट है, एग्जिस्ट करता है। पबजी को बैन करना मसले का हल नहीं था, आपने बैन किया ओके, मसले का हल ये नहीं था। अगर आप सुसाइड रेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, हाँ, और इसके लिए आपने पबजी को बैन किया है, सो फ्रेंकली स्पीकिंग आपने कम से कम इस यूथ के लिए, जिस यूथ को क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में असर नहीं है, हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड में असर नहीं है, ठीक है जनाब, फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में असर नहीं है, मैसर ही नहीं है भाई। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस यूथ के लिए कि जनाब इंडोर एक्टिविटीज के लिए कौन सी ऐसी जगह बनी हुई है कि जहां पर इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स खेले जा सके, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई प्लान नहीं है। 3.5 करोड़ से ज्यादा का शहर, और जिस शहर के अंदर आबादी का ज्यादा हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मबनी है, वहां पर स्पोर्ट्स के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। जरा चेक तो करें कि जनाब हम 4 महीने, 4.5 महीने जो गुजार कर आए हैं, वो इनफैक्ट हम गुजार कर आए हैं किस चीज से? हम गुजार कर आए COVID-19 से, क्वारंटाइन सिचुएशन से, आइसोलेशन सिचुएशन से, और अब हमें कहा जाता है कि जनाब पबजी बैन कर दो। तो यार ये मेंटल बेसिस पे स्ट्राइक करने वाली चीज है या नहीं है, ये मेरा सवाल है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अगर सुसाइड रेट को आपने कंट्रोल करना है तो सबसे पहले रीजंस को ट्रेस करना है, रीजंस पर काम करना है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, मगर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए हम और आप कोई कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता। दुनिया में स्पोर्ट्स हैं, दुनिया में ई स्पोर्ट्स हैं, डेफिनेटली बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, इससे रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की इंडस्ट्री कामयाब नहीं हो सकी या कामयाब होने नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि यार हम मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, हम मेंटल हेल्थ पर काम ही नहीं करते। हमारे बच्चों को जो स्पोर्ट्स अब तक के नजर आते हैं, वो जो खेल नजर आते हैं, वो यही कि जनाब जो छोटे मोटे गेम्स है बस वो खेल लो, दैट्स इट। मगर बच्चे के लिए मैंने, आपने या हमारे मुख्तलिफ इदारों ने इंडोर स्पोर्ट्स के लिए क्या किया, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए क्या किया, उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, ऐसा कोई काम हमें नजर नहीं आ रहा। और फिर सबसे हैरान यानी अफसरदा कर देने वाली बात वो ये कि हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे हॉस्टल्स में क्या सोसाइटीज नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जब ओवर डिमांडिंग सिचुएशन होती है ना तो फिर सुसाइड रेट बढ़ता है, जब ओवर डिमांडिंग सिचुएशन होती है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो भाई सुसाइड रेट बढ़ता है। अब अगर ये जो पबजी का खेलना है ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन बढ़ा रहा है, हो सकता है, आप सही कह रहे हो सकता है ये बात, मगर क्या कोई और फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जिसको हमें रिड्यूस करना चाहिए? हम दूसरे फैक्टर्स पर बात नहीं कर रहे। मुझे पबजी के बैन होने से बस एक बात पर एतराज ये है कि हमें वो फैसिलिटीज अवेल नहीं की गई कि जो मिलनी चाहिए, उसके बाद पबजी बैन कर देते, टेंशन नहीं थी। मगर पबजी डेफिनेटली बैन कर दिया गया अचानक से, पाकिस्तान में जो रेवेन्यू आ सकता था, जो हम जीत सकते थे और जीतते आ रहे थे, अब आज लास्ट डे है कि पबजी के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, डेफिनेटली आप उस कॉम्पिटिशन से बाहर है, पाकिस्तान बाहर है, पाकिस्तान पबजी के लेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स की फेहरिस्त में से बाहर है। क्यों? क्योंकि बंद है, बंद है, पबजी बैन है। तो यार प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं आज यहां इस पाकिस्तान में बसने वाले आदमी की बात करूं तो यार वो बहुत सारी क्रूशियल स्टेजेस से आगे बढ़ रहा है, उसके पैदा होने के बाद से लेकर, बल्कि मैं कहता हूं पैदा होने से पहले ही, पैदा होने से पहले ही और मरने के बाद तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिलसिला है ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पैदा होने से पहले बड़ी डिमांड होती है, और बच्चा, लड़का पैदा हो जाए, ठीक है जनाब, लड़का पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, अभी वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ने लगा, 8वीं जमात में पहुंचा, जनाब डिमांड शुरू हो गई कि जनाब तो तुम्हें पोजीशन लेकर आना है। अरे पोजीशन लाएंगे, चलो ठीक है, ले आएंगे, नहीं लाए, पूरा खानदान, पूरे घर वाले आपके खिलाफ हो गए, पोजीशन नहीं, बदनामी हो गई, ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। इंटर हो गया, इंटर के बाद कहा जाता है जनाब डिमांड जी होती है कि जनाब आपको घर को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करनी, इंटर का बच्चा है, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का सोचे, फिर ग्रेजुएशन में जाता है तो डिमांड्स बढ़ जाती हैं कि अब आपने घर के दीगर अखराजात के अंदर भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मास्टर्स करता है या एमएस करता है, तो यार उसकी डिमांड्स तो बढ़ती जा, उससे रिलेटेड डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है। अब भाई होने के नाते उसे अपने फरज अदा देने हैं,
बेटा होने के नाते उसे फराइज अंजाम देने हैं, अगर लेकर शादी भी हो गई उसकी, उसके बच्चे हो गए तो भाई फिर बीवी के भी फराइज अंजाम देने हैं, बच्चे के भी फराइज अंजाम देने हैं। ये पूरी जिंदगी आगे तक जा रही है, 50 साल की उम्र में आप पहुंचते, 55 साल की उम्र में पहुंचते तो बच्चों के बच्चे उनके भी फराइज आपने निभाने। मर गए ना अगर और आपकी कब्र फिक्स हो गई है तो उसके बाद भी जो आपकी प्रॉपर्टी उसके डिवीजन का मामला आपके नाम के साथ जुड़ेगा। जस्ट चेक इट आउट कि कितना ज्यादा जिसे कह लें कि हम ओवर बर्डन सिचुएशन के अंदर अपने आप को रखते हैं, दिमाग को खुलने का मौका ही नहीं देते, दिमाग को चलाने का मौका ही नहीं देते, हम रिक्रिएट नहीं करते खुद को, हम खुश नहीं होते। यार मुझे बता दो ना कि क्या क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है पाकिस्तान में? क्रिकेट का हाल आपको पता है, हॉकी का हाल आपको पता है, फुटबॉल तो नामोनिशान नहीं है, तो बचा क्या भाई फिर आपके पास? दुनिया में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, दुनिया में आउटडोर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, जबरदस्त काम हो रहा है, इंडोर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, ई स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, तो दुनिया में ममालिक जो तरक्की याफ्ता है भाई वो ओवरऑल सिचुएशन से अपनी नेशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। या पाकिस्तान के अंदर यूथ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखती है, मगर सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी यूथ की लगती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होती यूथ के ऊपर, नौजवान नस्ल के ऊपर पैसा खर्च नहीं होता, यही होता है। फिर उसके बाद चंद गिनती के पीएचडी निकलते हैं यहाँ से, वो बाहर चले जाते हैं, बाहर से पीएचडी करते हैं, बाहर सेट हो जाते हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर्स यहाँ बनते हैं, डॉक्टर्स आगे जाकर भी अपनी स्टडीज को करते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं रुकता। तो यार यहाँ जो यूथ है उसके ऊपर तो इन्वेस्ट करो, उसको इन्वेस्ट करो। ये पबजी को बंद करना मसले का हल नहीं है, साफ बोल रहा हूँ, पबजी को बंद करना मसले का हल नहीं है यार, प्लीज अपनी आंखें खोलें, पबजी को बंद करना मसले का हल नहीं है। आपको अगर सिचुएशंस बेहतर बनानी है, डिप्रेशन से बाहर निकालना है, एग्रेशन से बाहर निकालना है, तो इस कौम के नौजवानों के ऊपर आपने पैसा लगाना पड़ेगा, आपने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये मेरा सिंपल सा मैसेज है, पूरी कौम जो है ना वो अभी अफसरदा थी कि भाई पबजी बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं कह रहा हूँ पबजी बंद होना मसला नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, आप पबजी जैसे गेम्स खुद बना सकेंगे, आप में इतना पोटेंशियल है, नेशन में इतना पोटेंशियल है, पबजी क्या पबजी से ज्यादा बेहतर गेम बना सकेंगे, मगर वी वांट सम रिसोर्सेज, वी वांट सम एसेट, ह्यूमन एसेट्स इन्वेस्टमेंट, ये होंगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई, अगर ये नहीं होंगी तो हम वैसे ही जलीलो रुसवा हैं पूरी दुनिया में, मजीद जलीलो ख्वार होते रहेंगे। यहाँ पे रहने वाला जो नौजवान लड़का है बेचारा वो इतना डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिमांड हर तरफ से है मगर फंड कहीं से नहीं है, घर वाले भी जो है वो कहते हैं खुद कर लो, पता खुद कहां से कर ले, जमीन खुद के पैसे निकाले। इकोनॉमिकली पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हाल में है, तो नौजवान लड़का घर से निकलने के बाद पैसा कैसे कमा लेगा? आज जॉब पे जा रहे हैं, कल का पता नहीं कि जॉब कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, तो प्रॉब्लम्स बड़े सीरियस है। हम सबको इन नौजवान नस्ल को आगे लेकर अगर बढ़ना है, सो प्लीज ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फंडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इस फॉर्म को अगर आपने आगे बढ़ाना है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, सलाम वालेकुम।